गुरुग्राम में AQI 493 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में भारी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। गुरुग्राम में उद्योगों को बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम समेत दिल्ली NCR में GRAP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 4 को लागू कर दिया गया है। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, खतरनाक श्रेणी में ये प्रदूषण पहुंच चुका है। जो AQI है गुरुग्राम में भी 493 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और गुरुग्राम में उद्योगों को बंद कर दिया गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए आइए रुक करते हैं अपने गुरुग्राम संवाददाता नीरज अंबावता का। नीरज, गुरुग्राम में जो AQI है वो 493 के पार यानी कि अत्यंत गंभीर श्रेणी में प्रदूषण का स्तर, किस तरह की गाइडलाइंस, किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है इसको लेकर और क्या तस्वीर है आज सुबह की गुरुग्राम की? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार दिल्ली NCR में पोल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है और लगातार खतरनाक स्टेज की तरफ बढ़ता जा रहा है, अगर गुरुग्राम में आज AQI की बात करें तो 493 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो GRAP 4 के जो प्लान थे वो लागू कर दिए गए हैं, जिनमें भारी वाहनों की एंट्री दिल्ली में बंद कर दिया, यानी अब दिल्ली में कोई भी भारी वाहन नहीं जाएगा, एंटर नहीं कर पाएगा। उसके अलावा गुरुग्राम के जो उद्योग थे उनको भी बंद कर दिया गया है, जो डीजल से चलते थे, कोयला से जो चलते थे, यानी GRAP 4 के नियम पूरी तरह से लागू कर दिया गया। और जिस तरह से लगातार हालात गंभीर होते जा रहे हैं, दिन पे दिन AQI लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अंदेशा इस बात का लगाया जा सकता है कि गुरुग्राम सहित दिल्ली NCR में आने वाले कुछ दिनों में लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं, स्कूल कॉलेजों को भी बंद करना पड़ सकता है, वर्क फ्रॉम होम जो सिस्टम है वो भी लागू कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार गुरुग्राम की जो पॉल्यूशन की सफेद चादर है वो पूरे शहर को अपने आगोश में लिए हुए है। तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम की फिजा लगातार जहरीली होती जा रही है, पॉल्यूशन लेवल इतना खतरनाक है कि अस्थमा, सांस और आंखों के रोगियों को काफी जो परेशानी है वो उठानी पड़ रही है, आंखों में जलन और चुभन की शिकायतें देखने को मिल रही है। तो गुरुग्राम के अगर हम स्कूलों की बात करें, कई स्कूलों ने अब बच्चों को मास्क लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, तो वहीं स्कूलों में जो आउटडोर एक्टिविटीज थी वो भी पूरी तरह से बंद कर दी है, यानी लगातार जो पॉल्यूशन लेवल है वो खतरनाक होता जा रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से कई आदेश जारी किए हैं, तो कई जो निजी संस्थान है या फिर निजी स्कूल है उनकी तरफ से भी अपने नियम लागू कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। कोशिश इस बात की है कि इस जो बढ़ता पॉल्यूशन है, बढ़ता जो हवा लगातार जो जहरीली होती जा रही है, उस पर किसी तरह से कंट्रोल पाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका नीरज अंबावता इस जानकारी के लिए।